हेलो फ्रेंड्स, आशा कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलती हूँ, ना देरी करती हूँ ये रेसिपी बनाने के लिए। तो ये धुली उड़द की दाल है, छिकल उतरी वाली दाल उड़द की है। तो इसको मैंने एक कटोरी ले लिया, इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के धो लेना, 3-4 पानी से धोना है लगातार। और जब तक ये साफ पानी नहीं आता, जब तक उसको पानी को चेंज करते रहो। तो ये देखिए कितना मॉइस्चर इसमें आ रहा है पानी में, तो इसको निकाल देना है छान करके, फिर दूसरा पानी लेना है। इस प्रकार से सारी दाल हमें अच्छी तरीके से धो लेनी। और ये मैंने थोड़ा पानी साफ डाल देना है दाल में और इसको रख देती हूँ 2-4 घंटे के लिए भिगाने के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से दाल फूल जाती है। तो ये देखिए मैं दाल आपको दिखा रही हूँ, 4 घंटे में बहुत ही अच्छी फूल गई है। ये देखिए सारी ये टूट रही है दाल, तो समझ लो हमारी अच्छी दाल सोख हो चुकी है। तो इसको एक मिक्सी जार में पलट लेती हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता रही हूँ, ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही आसानी से आसानी रेसिपी आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ। तो ये स्मूथ सा बिल्कुल ही बारीक पीसना है मैदे जैसा, तो बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया। और ये मैं क्रंची करने के लिए थोड़ा चावल का आटा डाल रही हूँ, तो थोड़ा ही डालना है। करीब हमने ये 2 चम्मच लगभग कम भर के ही डाले हैं। और उसको और मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल कर घुमा देना है। और बस इतना ही मुझको पतला रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और चलती हूँ इधर चाशनी बनाने के लिए। तो ये चाशनी मैंने 1 कटोरी रखी है और 1 कटोरी छोटी वाली कटोरी दाल थी हमारी, ये थोड़ी बड़ी कटोरी चाशनी बना रही है। इसमें फूड कलर डाल ली, थोड़ा सा पानी डाल करके चाशनी पकने रख दिया। और इधर मैं तेल पैन में रख रही हूँ, तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा फिर मैं इधर देखती हूँ हमारी ये चाशनी कैसी हुई है। मैंने 2-3 इलायची डाल दिया है चाशनी में पकने के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ थोड़ा, जो मैंने दाल पीसी थी। तो ये देखिए चम्मच की मदद से इसको घुमा दे, अगर चम्मच की मदद से नहीं घुमाना है तो एक बार मिक्सी जार ढक्कन बंद करके घुमा सकते हैं। तो ये मैंने एक ले लिया है पिन्नी, वही घर की यूज वाली पिन्नी है, हमारे पास पैपिंग बैग है नहीं, सॉरी। तो इस घर की पिन्नी से मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा बैटर डाल करके इसमें देखना, इतना ही बैटर मुझको गाढ़ा चाहिए था। और एक पिन्नी में मैंने पलट लिया अच्छी तरीके से है। और दोस्तों देखो सारा इसको एक साइड में कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही मुझको इसको लपेट करके, जैसे ये देखिए लपेट लेना है एक ही राउंड में, ताकि बिल्कुल इसमें हवा ना जाए। अच्छी तरीके से लपेट करके मुझको ये मुट्ठी से दबा लेना है, एक मुट्ठी से। और इसकी नोक निकाल करके मुझको कैंची की मदद से इसकी नोक काट देनी है, ताकि इतना ही काटना है जितनी मुझको बैटर निकल सके, जितना मुझको चाहिए उतना ही काटा है मैंने, ज़्यादा नहीं, अपने मीडियम। तो तेल हमारा हो चुका है तो बस इतना ही चाहिए। और चलती हूँ इसमें 2 राउंड घुमा करके, बस राउंड राउंड करके इमरतियाँ बना रही हूँ। ये देखिए हमारी इमरतियाँ कितनी अच्छी आसानी से बन के तैयार हो रही हैं, बस 2 राउंड घुमा करके, और बस राउंड राउंड करके घुमाना है अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही आसानी से इमरतियाँ बनके तैयार होती हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, जो नहीं बना पाते वो भी बना लेंगे, कितनी जालीदार कितनी बेस्ट बनी है। तो इधर हमारी चाशनी भी हो चुकी है, तो चाशनी में डिप करूँगी, इधर से निकालूँगी उधर चाशनी में डिप करने के लिए छोड़ दूँगी। तो चाशनी हमारी परफेक्ट ऐसी ही चाहिए, चिपचिपी वाली ही चाशनी चाहिए, ज़्यादा एक तार की बिल्कुल नहीं, चिपचिपी वाली चाहिए चाशनी। तो चाशनी हमारी हो चुकी है, उधर हमारी ये जलेबी फ्राई हो चुकी है, बस इसको डिप करना है थोड़ा सा
और फौरन इसको निकाल लेना, जैसे डीप हो जाए वैसे फौरन निकाल लो अच्छी तरीके से। ये देखिए सारी हमारी डीप होके चाशनी हमारी, देखिए मैं कितना देखती हूँ, ये देखिए कितना जूसी बनी हुई है। मैं जूस निकाल के दिखा रही हूँ आसानी से सारी, ये देखिए जूस कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारी इमरतियाँ तैयार हो चुकी हैं सारी, और ये 100 ग्राम दाल में 1 kg हमारी इमरतियाँ तैयार हुई है। आप लोग भी इसी प्रकार से बनाएं, मेहमान आए या बच्चों को अपने खिलाएं। नेक्स्ट वीडियो में कल